कृष्णा कृष्णा, पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 31 और 32। आज की हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 33 और 34। पिछले अध्याय में हमने समझा कि अर्जुन सुख चाहता है, लेकिन उसकी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। और हम सभी के सुख भी ऐसे ही होते हैं जो कंडीशन पर होते हैं। अगर हमारी कंडीशन पूरी हो जाए तो हमें सुख मिल सकता है। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं और थोड़ा सोचें कि सुख जैसा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, ये बात बुद्ध ने जान ली थी इसलिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया था। महावीर ने जान ली थी इसलिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया था। ये बात अर्जुन को पता नहीं है। वो सुख अभी भी बाहर ही ढूंढ रहा है। वो कह रहा था कि अगर मेरे रिश्तेदार ना मारे जाए, अगर मेरे प्रियजन ना मारे जाए तो मुझे सुख मिल सकता है, तो मुझे राज्य मिल जाए, तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इनको मार के मुझे सुख मिलता है, राज्य मिलता है और यश मिलता है, तो ऐसे सुख और राज्य से मुझे क्या लाभ है? मतलब वो जान रहा है कि राज्य में सुख है, यश में सुख है। वो ये नहीं जान रहा है कि सुख एक इल्यूजन है, जिस तरह से बुद्ध ने जाना था। अगर वो ये जानता, अगर वो ये कहता कि व्यर्थ है ये सुख, व्यर्थ है ये यश, इस संसार में सुख संभव ही नहीं है, इस संसार में यश संभव ही नहीं है, तो कृष्ण के वक्तव्य कुछ और होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 34। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम होगा सुखानि च, तइमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः, मातुलः स्वसुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। अर्थात इसका जो मैं भावार्थ पढ़ूंगा वो श्लोक नंबर 32, 33, श्लोक नंबर 31, 32, 33 और 34 को एक साथ मिलाकर पढ़ूंगा, तभी हमें पूरी बात समझ में आएगी। कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना मैं उससे किसी प्रकार विजयी, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? लाभ तो है अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो, क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम लड़ना चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्र, गण, साले और अन्य सभी मारे जाएंगे, तो मैं इस राज्य और इस सुख को लेके क्या करूंगा? क्योंकि इन सभी के लिए ही तो मैं ये चाहता हूं। हम सभी की कंडीशंस भी कुछ ऐसे ही होती हैं। लेकिन अर्जुन यहां भगवान श्री कृष्ण से झूठ बोल रहा है। वो ऐसा झूठ है जो हम अक्सर बोलते रहते हैं और जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। पिछले सेशंस में मैंने बात की है कि हम सभी के अंदर अर्जुन का अंश है, कहीं ना कहीं अर्जुन की चेतना बसी हुई है। हम सभी के अंदर पार्थ है, अर्जुन है, और हमें चाहिए मार्गदर्शन कृष्ण का, जो हमें आज के युग में भगवद गीता के माध्यम से ही मिल सकता है। क्योंकि हम सभी भी ऐसा ही कहते हैं कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए,
अपने पुत्र के लिए कर रहा हूं, और ये इतनी गहराई से बोले जाने वाला झूठ है जो हमें सच के समान लगता है। अर्जुन भी यही कह रहा है कि जिन लोगों के लिए मैं ये चाहता हूं, अगर वो ही मारे जाएंगे तो एक सुख से क्या लाभ। बात बहुत बारीक है समझने के लिए। कोई पिता अपने बेटे के लिए धन चाहता है, जमीन चाहता है, जायदाद चाहता है, वो सिर्फ इसलिए ही चाहता है क्योंकि वो उसका बेटा है, क्योंकि वो उसके मैं में कुछ देता है। वो जो मैं है, वो जो पिता का मैं है, वो उसके बेटे से भी कुछ मैं मिलता है। अगर उसका बेटा नहीं होगा तो उसको जो बेटे से मैं मिलने वाला है वो उसको नहीं मिलेगा। अपने तो छोड़िए, हमारे दुश्मन से भी हमारे मैं के होने की कुछ अनुभूति होती है, क्योंकि अगर मेरा दुश्मन नहीं रहेगा तो मैं वो नहीं हो पाऊंगा जो मैं दुश्मन के सामने था। मेरा एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। पुत्र के ना होने से मेरे अंदर पिता का हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो मेरा पुत्र भी मेरे अंदर कुछ जोड़ता है। तो गहराई में जो भी चीज़ चाहता हूँ वो मैं अपने लिए ही चाहता हूँ, वो मेरे अहंकार को भरने के लिए ही चाहता हूँ। अर्जुन यही कह रहा है। और मजा इस बात का नहीं है कि मैं दूसरों के लिए चाहता हूँ, मजा इस बात का है कि जो मैं चाहता हूँ और जो मेरे पास है वो दूसरों को दिखे। जरा इस बात को गहराई से आप सोचिए कि आप कितने ऐसे काम करते हो जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, और अकेले में वो सारी बात बेमानी हो जाती है। सोचो कि अगर समस्त दुनिया के आदमी खत्म हो जाएं, औरत खत्म हो जाएं, कोई ना बचे और सिर्फ आप ही बचो, और आपके पास दुनिया की महंगे से महंगी गाड़ी हो, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा महल हो, दुनिया का सारा रुपया पैसा हो, वो आपको जरा भी खुशी नहीं देगा। क्योंकि जिन लोगों के सामने वो खुशी देता वो तो अब है ही नहीं। अगर उसमें खुशी मिलती तो उन सभी के ना होने से भी आप खुश रहते, उन सभी के ना होने से आप दुखी हैं। इसका मतलब है कि उन सभी में खुशी नहीं है जिनमें हम खुशियां तलाश करते हैं। कल के सेशन में हमने यही चर्चा की थी कि जो सुख हम जिन चीजों में ढूंढते हैं असल में उनमें सुख है ही नहीं, असल में वो दुख ढूंढने के साधन है। हम जो चीज चाहते हैं वो अपनों के दिखाने के लिए चाहते हैं। अब जैसे हमारे सामने दिन रात बहुत महंगी महंगी गाड़ियां गुजरती रहे, हमें इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पड़ोस में किसी ने एक लग्जरी गाड़ी ले ली तो हमारे दिल पे सांप लौट जाते हैं कि उसने गाड़ी ली कैसे। और उस पड़ोसी को भी वो गाड़ी दिखाने मजा है कि सामने वाले देखेंगे और जलेंगे, उसमें उसका अहंकार बढ़ता है। और वो पड़ोसी अपनों को तो दिखाएगा ही, साथ में अपने दुश्मनों को भी दिखाएगा, और दुश्मनों के सामने वो अपने सीने को चौड़ा करके चलेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर उसका दुश्मन ना रहे, उसके दुश्मन की मृत्यु हो जाए, तो वो अपने दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके ना चल सकेगा, उसका एक हिस्सा मर जाएगा। वो गाड़ी उसने अपने लिए नहीं ली, वो गाड़ी उसने अपने अहंकार की तृप्ति को पूरा करने के लिए की, उसने दिखाने के लिए अपनों को भी, पराए और अपनों को भी, दुश्मनों को भी, और उन लोगों को भी जिसका उससे कोई वास्ता ही नहीं है। अगर ये सब लोग खत्म हो जाएं तो गाड़ी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्जुन यही कह रहा है कि मैं इन लोगों के लिए चाहता हूं
और ये ही नहीं रहेंगे तो इससे क्या लाभ। अगर ये हों तो लाभ हो सकता है। माया के प्रति वो सचेत नहीं हुआ है, वो जागा नहीं है, उसको लाभ दिखाई दे रहा है। जबकि जिन लोगों ने आध्यात्म के उच्च स्तर को पाया है उन लोगों ने जाना है कि इन सभी चीजों में कोई लाभ नहीं है। अर्जुन गीता में उससे यही समझाते हैं कि इन चीजों में कोई लाभ नहीं है, और ये बात वो उससे मनवाते नहीं हैं, ये बात उसको जनाते हैं। हम सभी भी इसी तरह सोचते हैं, और जैसे जैसे हम गीता के सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, जब कृष्ण की बातें आएंगी तब हम उनको इसी तरह से डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। अर्जुन जो झूठ कह रहा है वो झूठ भी सच के जैसा लगता है, क्योंकि न जाने कब से, न जाने कितने जन्मों से हम ये झूठ लगातार दोहराए जा रहे हैं, और जो झूठ लगातार दोहराया जाता है वो हमें सच प्रतीत होने लगता है। क्योंकि ये चीज हमारे अहंकार को पूर्ता करती है, अहंकार हमारा इनसे बढ़ता है। यह अर्जुन बहुत गहरे में अपने अहंकार की ही बात कर रहा है, और आगे जो श्लोक आएंगे उसमें अर्जुन का अहंकार सामने प्रकट हो जाता है, जिसको कृष्ण बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, और वो उसका अहंकार तोड़ते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, यहां तक कि उसको नपुंसक भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कभी तो उसका प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, कभी उसको नपुंसक कह रहे हैं। यह कृष्ण अर्जुन को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, ये बात हम अगले आने वाले सेशंस में समझेंगे कि कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक बात कि दुश्मनों से भी हमें इतनी प्रतियोगिता नहीं होती है जितनी प्रतियोगिता अपनों से होती है, पराओं से भी हमें इतनी प्रतियोगिता नहीं होती है जितनी हमें अपनों से प्रतियोगिता होती है, और जो चीज हम चाहते हैं वो अपनों के लिए नहीं चाहते, हम अपनों को दिखाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनसे हमारी प्रतियोगिता बहुत बड़ी होती है। अर्जुन जो ये झूठ कह रहा है उसको इस झूठ के बारे में पता ही नहीं, जैसा कि हम लोगों को भी नहीं पता, और न जाने कब से हम इस झूठ को दोहराए जा रहे हैं जो हमें सच के जैसा लगता है। कल भी मैंने ये बात की कि जब तक आप अर्जुन के मन के उलझन को नहीं समझेंगे, जब तक आप गीता के प्रथम अध्याय को, जब तक आप अर्जुन की मन की स्थिति को मनोवैज्ञानिक ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक आपको कृष्ण की बातें समझने आने वाली नहीं है। कृष्ण अर्जुन के मन के उलझन को किस तरह से सुलझाते हैं ये बात आपके मन में आने वाली नहीं है, आपको समझ में आने वाली नहीं है। गीता को पढ़ने वाले मोह माया से मुक्त हो चुके होते। गीता को पढ़ने वालों में सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम गीता को पूजते हैं धर्म ग्रंथ की तरह। मैं कहूंगा कि यह धर्म ग्रंथ से भी ऊंचा है, ये स्वयं परमात्मा से हृदय से निकली हुई वाणी है, इसको हम धर्म ग्रंथ की तरह पूज नहीं सकते, इसको हम अपने ऊपर उतार सकते हैं। हम जितने भी इसको पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बहुत छोटा है, हम इस योग्य ही नहीं है कि हम इसको पूज पाए, इसकी अर्चना कर पाए। Ha
अगर हमने इसको अपने जीवन में उतार दिया तो कृष्ण की कही गई बातें तभी सफल हैं, वरना गीता की कोई वैल्यू नहीं। तो ये थे इनके अर्थ। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछिए, हम प्रश्नों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। जितने भी आपके प्रश्न हैं उनका मैं भगवद गीता के अनुसार ही उत्तर देने का प्रयास करता हूँ, उन्हीं के अनुसार उत्तर मैं आपको देता हूँ, और बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से बात को समझ के मैं उत्तर देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी ही बातों में गहराई होगी, हो सकता है कि जो मेरी बातें सुन रहा हो उसकी बातों में और भी ज़्यादा गहराई हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बातों में इससे भी ज़्यादा गहराई है तो बेझिझक आप मुझसे कहिए, मुझसे बोलिए, आपका सदैव स्वागत है। तो आने वाले सेशंस में हम पूरी की पूरी गीता का मनोविश्लेषण करने वाले हैं, मनोविश्लेषण के साथ में मनोसंश्लेषण भी करने वाले हैं, ताकि जितने भी यहाँ गीता को सुनने वाले लोग हैं उन सभी को अर्जुन के जैसा लाभ मिले। और अगर गीता को सुनने के बाद, गीता को समझने के बाद याद नहीं करना है गीता को, कंठस्थ नहीं करना है गीता को, कोई लाभ नहीं उससे, शून्य। ये तो इस तरह से हो गया कि आपने एक टेप रिकॉर्डर रखा और उसमें आपने बातें रिकॉर्ड कर ली। हमारा दिमाग भी एक मशीन है, एक टेप रिकॉर्डर है, आपने उसमें बात रिकॉर्ड कर ली, फिर उसका कोई लाभ नहीं। फिर आप उसको बजाते रहो, जब मर्जी आप बजाते रहो, ये तो टेप रिकॉर्डर है। ये बात आपको अपनी आत्मा में उतारनी है, भले ही चाहे ये बातें आपको याद हों या ना हों, भले ही चाहे गीता के श्लोकों को आप बोल सकते हों या ना बोल सकते हों, भले ही चाहे गीता में कितने श्लोक हैं ये आपको ना पता हो, कितने अध्याय हैं ये आपको ना पता हो, कितने योगों की इसमें चर्चा की है ये आपको ना पता हो, लेकिन गीता की एक भी बात अगर आपने अपनी आत्मा में उतार ली, जीवन में तो उतारनी ही है, अगर आपने अपनी आत्मा में उतार ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना है। परमात्मा सभी का भला करे।